नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान के हेरात में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। पाक सेना के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पाक सरकार पर लगाया तालिबान के जरिए आतंकी हमले कराने का आरोप। सीरिया के मोसुल शहर में आईएस के खिलाफ इराकी सेना का संघर्ष जारी। विश्वविद्यालय समेत तकनीकी संस्थान, दंत चिकित्सा और पुरातत्व विभाग को आईएस के कब्जे से छुड़ाया, इराकी सेना ने की पुष्टि। माली की राजधानी बमाको में अफ्रीका फ्रांस सम्मेलन का आगाज। सम्मेलन में शांति एवं सुरक्षा समेत जलवायु और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर होगी बात। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद समेत 35 देशों के राष्ट्र प्रमुख लेंगे हिस्सा। पुलिस की गिरफ्त में आया ढाका आतंकी हमले का एक और मास्टरमाइंड। आरोपी को ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर तंगेल से किया गया गिरफ्तार। गुलशन कैफे पर हुए हमले में 20 से भी ज्यादा लोगों की गई थी जान। और अफगानिस्तान के लांगरहार प्रांत में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने घरों में लगाई आग। 60 से भी ज्यादा घर जलकर हुए खाक। हमले से पहले घरों से भागे लोग। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।